नमस्कार दोस्तों, कथा संचय चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियां रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वैदेही की नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद लड़की को उसके ससुराल से वापस ले जाने की प्रथा होती है, जिस प्रथा के अनुसार वैदेही के पिता उसे लेने आए थे। ससुराल वालों ने भी पूरे विधि विधान से वैदेही को उसके पिता के साथ भेज दिया। वैदेही के जाते ही उसका पति राहुल आग बबूला होते हुए अपने कमरे से निकला और अपने पिता पर चिल्लाते हुए बोला, बाबूजी आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आपका, जो आपने जाने कौन सी आफत मेरे गले बांध दी। अपने बेटे को अपने पिता के साथ इस तरह ऊंची आवाज में बात करता हुआ देख उसकी माँ शकुंतला जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोली, राहुल ये कौन सा तरीका है अपने पिता से बात करने का, बोलो क्या तकलीफ है तुम्हें, कैसी आफत बन गई तुम्हारे गले में, जरा मैं भी तो सुनूं। शकुंतला जी के गुस्से का भी कोई असर नहीं हुआ राहुल पर और वह भी तुनकते हुए बोला, और क्या जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी आप लोगों ने, कौन से जंगल में गए थे आप लोग मेरे लिए लड़की ढूंढने, जाने कहां से उठा लाए हो आप लोग। पिता गोपाल दास ने पूछा, कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, आखिर क्या कमी है बहू में, देखने में कितनी सुंदर तो है, राहुल को तो जैसे मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। वह बोला, सिर्फ सुंदर दिखना ही सब कुछ नहीं होता, रहन सहन, पहनावे की पसंद और एटीट्यूड भी कोई चीज होती है। चार दोस्तों के बीच में किस तरह व्यवहार करना है, कैसे मिलना होता है, कैसे बात करना होता है, ये सब भी तो जानना जरूरी होता है कि नहीं। मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, चार लोगों के बीच में मैं बिल्कुल भी सहज अनुभव नहीं करता हूं उसके साथ, वो आजकल के ट्रेडिशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, पता नहीं इस आधुनिक समय में ये कैसे पौराणिक रह गई, कोई ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है उसमें, जब देखो 5 मीटर की साड़ी में लिपटी रहती है हमेशा, जींस टॉप लाकर दिया लेकिन पलट कर देखा तक नहीं है उसने, लंबे लंबे बाल रखे हैं उसने जिसे कई लीटर तेल में डुबोए रहती है। आजकल की लड़कियों को देखो, छोटे छोटे घुंघराले बाल होते हैं और दूर तक तेल का नामो निशान नहीं होता है, सिंदूर तो ऐसे लगाती है कि पता ही नहीं चलता कि शादी हुई भी है या नहीं, लेकिन इसे देखो, रेल की लंबी पटरी जितनी लंबी सिंदूर की लाइन लगाती है, उफ उसके बारे में बात करने में ही इतनी तकलीफ होती है, तो बताओ सामने देखकर कितनी तकलीफ होती होगी, सच में बहुत बुरा फंसा दिया है आप लोगों ने। शकुंतला जी भी राहुल की बातों से तंग आते हुए बोली, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है राहुल कि तुम ऐसे कैसे हो गए, पहले तो तुम बिल्कुल ऐसे नहीं थे, राहुल झुंझलाते हुए बोला, ऐसा नहीं था मतलब, ये क्या मेरी 10वीं शादी है जो मैं पहले ऐसा था और अब बदल गया हूँ, और इसके पहले 9वीं शादी तक कुछ नहीं बोला और अब बोल रहा हूँ, शादी तो पहली बार ही की है ना, उसमें भी आपने ऐसी लड़की मेरे गले बांध दी कि जो मुझसे बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है, गोपाल जी से रहा न गया और बोले, लेकिन उसमें वे सारे गुण हैं जो एक बहू, पत्नी और एक बेटी में होनी चाहिए, बेटा वो जैसी भी है तुमसे प्यार तो करती है ना, प्यार करती है, उसका वश चले तो अपने आंचल को पकड़कर दिन में 32 बार मेरे पैर छुए, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी, मैं चाहता था मेरी पत्नी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर मेरी तरह जींस पैंट पहनकर एक नए अंदाज में एक दोस्त की तरह चले। शकुंतला जी भी झल्लाते हुए बोली, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, अब इस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, अब शादी हो चुकी है तो बेहतर यही होगा कि तुम बेकार की तुलना करना छोड़ दो और उसमें अच्छाइयां तलाश करो, तुम्हारी समस्या बस इतनी है कि वह आजकल के मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनती है, आजकल के फैशनेबल लड़कियों की तरह लहरा कर चलना नहीं आता और न ही आजकल की लड़कियों की तरह मेकअप करती है और न ही स्टाइल मारती है, तो क्या हुआ तुमसे सच्चा प्यार तो करती है ना। प्यार की दलीलें सुन सुनकर राहुल तंग आ चुका था, उससे रहा न गया और उसने कहा, जाने आप लोगों ने किस जन्म का बदला लिया है और मेरे गले में एक गाय बांध दी है, एक तरफ मेरे दोस्त अशोक को देखो, उसके माँ बाप ने भी उसकी शादी कराई है, क्या लड़की है, मन खुश हो जाता है उसे देखकर, उसकी पसंद बिल्कुल मेरे पसंद से मैच खाती है, वैसे ही लड़की मिलनी चाहिए थी मुझे। शकुंतला जी अपने बेटे से बहस करते करते थक चुकी थी और उदासी भरे स्वर में बोली, देख बेटा अब तो शादी हो ही गई है, मन छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, एक न एक दिन तुम्हें उसके प्यार का एहसास हो ही जाएगा। राहुल को भी पता था कि अब इस बहस से कोई फायदा होने वाला नहीं था, इसलिए वह भी इस बहस को यहीं खत्म करते हुए कहता है, जाने दो इस बहस का अब कोई फायदा नहीं, मेरा जो होना था सो हो गया, कम से कम जब तक मेरी वो सो कॉल्ड बीवी वापस नहीं आ जाती है तब तक तो जिंदगी को अपने हिसाब से जी लूं।
अच्छा मेरे आदरणीय मम्मी पापा, मैं अपने किसी खास दोस्त के बारात में जा रहा हूँ। अगले 5 दिनों तक मैं घर से दूर ही रहना चाहता हूँ। बस इतना कहते हुए राहुल अपने कमरे में अपना कुछ सामान लेने चला जाता है और सामान लेकर घर से निकल जाता है। वह सीधा अपने मित्र अशोक के घर पहुंचता है और अपने मित्र की पत्नी को निहारते हुए अपनी किस्मत को कोसता रहता है। कुछ ही देर में अशोक भी अपने माता पिता और पत्नी से विदा लेकर बारात में शामिल होने राहुल के साथ निकल गया। अशोक और राहुल दोनों ही अपने मित्र की शादी में खूब जश्न मनाते हैं और खुलकर अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं, लेकिन वापस आते हुए एक बस खाई में गिर गई। दुर्भाग्य से उसमें राहुल और अशोक भी थे। गनीमत इतनी थी कि किसी की जान नहीं गई, किसी को गहरी चोटें आई और किसी को मामूली, लेकिन राहुल और अशोक को कई अंदरूनी चोटें आई जिस वजह से दोनों ही कोमा में जा चुके थे। दोनों ही मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे थे। डॉक्टर ने कहा, इस बात का शुक्र मनाइए कि ये दोनों ही डीप कोमा में नहीं गए हैं, इसलिए ये निश्चित है कि इन्हें होश तो आएगा, लेकिन कब तक यह नहीं कह सकते। एक दिन अचानक राहुल की आंखें खुली और उसने पाया कि उसका कोई भी अंग उसके नियंत्रण में नहीं था। वह सिर्फ देख और लोगों की बातें सुन सकता था, लेकिन बदले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। तभी उसने देखा कि जीन्स टॉप में सजी सवरी घुंघराले बालों, चेहरे पर मेकअप और होंठों पर गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाए हुए एक महिला कमरे में दाखिल होती है। एक पल को उसे धोखा हो गया था कि कहीं वो उसके मित्र अशोक की पत्नी तो नहीं। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कल्पना वह अक्सर किया करता था। उसके वेशभूषा को देखते ही समझ गया कि वो एक डॉक्टर है। उसके आते ही उसके माता पिता उस कमरे से निकल जाते हैं। तभी उसने देखा कि उसने बिस्तर पर पड़े हुए जो भी गंदगी की थी उसने उसकी सफाई की और साथ ही उसके हर अंग की भी अच्छे से सफाई की। उसे अच्छे से नहलाया धुलाया, उसने हर वो जरूरी काम किया जो उसके जल्दी से स्वस्थ होने के लिए जरूरी थे। राहुल ने बहुत कोशिश की कि वह उसके गंदगी और उसके गंदे शरीर को साफ न करे, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि इतनी सुंदर लड़की जो उसकी कल्पनाओं से मेल खा रही हो, वह उसके गंदगी को इस तरह साफ करे। लेकिन राहुल बेबस होकर देखने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता था। जब राहुल की नजर घर में लगी कैलेंडर पर पड़ी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उसके जीवन के 5 साल बीत चुके थे। उसे याद आ गया था कि बारात से आते हुए उसके बस का एक्सीडेंट हो गया था। वो बार बार कोशिश कर रहा था कि उसकी नजर उस डॉक्टर की आंख से मिले और वह उससे पूछे कि उसका मित्र अशोक का क्या हाल है। अभी वो सोच ही रहा था कि वो लेडी डॉक्टर बोल पड़ी, आप चिंता मत कीजिए, आपके मित्र अशोक जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आए हैं, उनकी देखभाल भी मैं ही कर रही हूँ। आप ठीक हो गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी अब जल्दी ही होश में आ जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। और बड़े ही आशिकाना अंदाज में वो डॉक्टर राहुल को बाय कहती हुई वहां से चली जाती है। हर रोज वह डॉक्टर समयबद्ध तरीके से राहुल के सामने होती है और उसके हर हरकत पर नजर रखती। देखते ही देखते 6 महीने और बीत गए और एक दिन डॉक्टर ने राहुल को वो खुशखबरी भी सुना ही दी जिसका राहुल को इंतजार था। डॉक्टर ने कहा, राहुल जी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके मित्र अशोक अब खतरे से बाहर हैं। राहुल बहुत खुश हुआ, लेकिन इतने दिनों तक वैदेही को न देख राहुल ने मन ही मन सोचा, लगता है उस जाहिल गवार से मुझे छुटकारा मिल गया है। मम्मी पापा को कितना नाश था उसके पतिव्रता होने पर। एक बार मुझे ठीक हो जाने दो, फिर पूछता हूँ उनसे कि कहाँ है उनकी सो कॉल्ड बहुरानी। समय भी तेजी से बीतने लगा और समय के साथ राहुल के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार होने लगा। दूसरी तरफ उसका मित्र अशोक भी जल्दी ही ठीक होने लगा था। राहुल के माता पिता भी बारी बारी से राहुल के साथ समय बिताते रहते और राहुल के मन की बात को समझने की लगातार कोशिश करते रहते ताकि उसकी हर जिज्ञासा को शांत कर सके। लेकिन कभी कभी लाख कोशिशों के बावजूद वे राहुल की बातें नहीं समझ पाते, जिस कारण राहुल बहुत बेचैन हो जाता। कभी शकुंतला जी तो कभी गोपाल जी, उसके बीते 5 सालों में दुनिया कितनी आगे निकल गई थी इसकी जानकारी देते रहते। बातों बातों में ही उन्होंने बताया कि अशोक की पत्नी को जब पता चला कि अशोक कब ठीक होगा कब नहीं, तो उसने उससे अलग होने का फैसला कर लिया। उसने साफ कह दिया, मैं इसके ठीक होने तक का इंतजार नहीं कर सकती, इस जिंदा लाश के पीछे मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। उसने अशोक को एक बोझ बोलकर संबोधित किया और उसे छोड़कर चली गई। यह सुनकर राहुल को बहुत दुख हुआ, वो बहुत बेचैन हो उठा। इसी बेचैनी के कारण एक दिन राहुल के शरीर में स्पंदन होने लगा और वह लड़खड़ाती जुबान में कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। राहुल ने अपनी माँ से लड़खड़ाती जुबान में ही पूछ बैठा, वैदेही कहाँ है? शकुंतला जी ने कहा, क्या हुआ बेटे, अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए? वो डॉक्टर ही तुम्हारी पत्नी वैदेही है बेटा। यह सुनते ही राहुल अवाक रह गया और अनायास ही उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था।
वह सोच रहा था कि एक तरफ मॉडर्न दिखने वाली अशोक की पत्नी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी वैदेही जो पिछले 5 साल से उसकी सेवा कर रही है। यह सब सोचकर वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। फिर थोड़ा संभलते हुए अपनी माँ से पूछा, लेकिन वो डॉक्टर कब बनी? तभी उसके पिता भी वहां पहुंच जाते हैं और राहुल की बातों को सुन लेते हैं। सुनते ही वो कहते हैं, बेटा हमारी बहू शादी के पहले ही मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर चुकी थी। उसने हमें सरप्राइज देने के लिए इस बात को छिपा रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ऐसे हालत में उसे अपना ये राज खोलना पड़ेगा। तुम्हारे कोमा में जाने के बाद उसने तुम्हारी सेवा के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की। तुम्हारे कोमा में रहते के दौरान उसने हर फर्ज निभाया है बेटा। उसने न सिर्फ तुम्हारी देखभाल की है, बल्कि घर के सारे काम, अस्पताल की ड्यूटी और साथ ही अशोक के इलाज की पूरी जिम्मेदारी उसने उठा रखी थी और उसे शिद्दत से आज भी अपने फर्ज को निभा रही है। यह सब सुनकर राहुल दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसे बहुत अफसोस हो रहा था कि वह वैदेही के वेशभूषा और तौर तरीकों को लेकर कितना कुछ बोल गया था, लेकिन आज उसकी वजह से वह और उसका मित्र दोनों फिर से अपनी जिंदगी में वापस आ पाए हैं और उसके पीछे उसने उसके परिवार को भी सही सलामत संभाले रखा है, वरना उसकी अनुपस्थिति में वैदेही के बिना उसका परिवार बुरी तरह से बिखर सकता था। तभी अचानक राहुल के मन में एक और जिज्ञासा ने जन्म लिया और बोला, लेकिन माँ, वैदेही ने मेरे कहे अनुसार अपना गेटअप कैसे चेंज कर लिया? क्या आपने कहा था उसे ऐसा करने के लिए? यह सुनते ही शकुंतला जी भी रोने लगी और रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि जब से तुम्हारी ऐसी हालत हुई थी उसी दिन से उसने अपना रूप बदल लिया। ऐसा करने पर हम तो आश्चर्यचकित हुए ही, साथ ही पूरे समाज में भी कई अफवाहें उड़ने लगी कि पति की यह हालत और उसकी लुगाई को देखो हवा में उड़ रही है, मानो इसी दिन के इंतजार में थी। जरूर कहीं न कहीं शादी के पहले से ही इसके चक्कर रहे होंगे। आज इसे मौका मिल गया है, कोई रोकने वाला तो है नहीं, तो किए जा रही है अपनी मनमानी। इतना कहते कहते शकुंतला जी की आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ राहुल की भी ऐसी ही हालत हो गई थी। वह भी वैदेही की हिम्मत की कहानी सुने जा रहा था और बेतहाशा रोए जा रहा था। वहीं बैठे गोपाल जी ने आगे की बात को बढ़ाते हुए कहा, जमाने की बातें सुनकर हम भी तंग आ गए थे और एक दिन हमने भी पूछ ही लिया। एक दिन जब वो घर आई तो मैंने पूछा, बेटा ये मत सोचना कि समाज हम पर उंगलियां उठा रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने खुद में जो भी बदलाव लाया है वो सब राहुल की इच्छा है, जिसके बारे में सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? तो जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, पापा जी, उस दिन मैं उनके पांव छूना भूल गई थी, जिसके लिए मैं वापस आई और आते ही सारी बातें मैंने दरवाजे के बाहर से ही सुन लिया था और रोते हुए वापस चली गई, और तब से मैं उनकी इच्छा अनुसार बनने में लग गई। मैंने भी प्रण कर लिया कि मैं उनकी चाहत के अनुसार खुद को ढाल लूंगी। मैं उनके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, तो ये क्या चीज है? उनकी इच्छा है ना, मैं उनके कदम से कदम मिलाकर चलूं, तो मैं तैयार हूँ और अब उनका इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही उनकी बात खत्म होती है, डॉक्टर बनी वैदेही कमरे में दाखिल होती है। उसके आते ही गोपाल जी और शकुंतला जी अपनी जगह से उठकर चले जाते हैं। उसे देखते ही राहुल बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी दोनों बाहें फैला देता है। राहुल को ऐसे देख वैदेही समझ जाती और उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह जोर जोर से रोने लगती है और राहुल से लिपट जाती है। राहुल भी रोते रोते वैदेही को अपनी बाहों में जोर से भर लेता और अपने किए की माफी मांगता है। राहुल ने कहा, शादी की पहली रात को मैंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, फिर भी। वैदेही ने उसके होठों पर हाथ धर दिया और सिसकते हुए सोचने लगी, उस दिन वो अपनी सुहागरात को लेकर बहुत उत्साहित थी। फूलों से सजे धजे पलंग ने उसके अरमानों को हवा दे दिया था। पति के आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन पति ने आते ही गुस्से से फूलों की सजावट को नोचकर फेंक दिया और करवट बदलकर सो गया। वैदेही के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगले 15 दिनों तक भी उसके पति ने मुंह फुलाकर ही रखा। कभी कभी वो उसके सामने ऐसी फरमाइश रख देता कि उसे पूरा कर पाने में वो खुद को असमर्थ पाती, लेकिन उसके कोमा में जाने के बाद उसने खुद को पति के लिए बदलकर एक तपस्या ही की थी, जो आज पूर्ण हो गई थी। राहुल धीमे से बोला, आज मुझे समझ में आ गया कि केवल रहन सहन और पहनावे से कुछ नहीं होता है, दिल में प्रेम होना ज्यादा जरूरी है। तुम जिस रूप में भी रहो, अब मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए। थोड़ी देर रोने के बाद जब दोनों का मन कुछ शांत हुआ तो माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए वैदेही राहुल से अलग हुई और बोल पड़ी, मैं आपके साथ कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो? राहुल भी मुस्कुरा पड़ा। आज उनके जीवन में खुशियों ने दस्तक दे दी थी। दोस्तों, ऊपरी दिखावे में ना आकर इंसान के आंतरिक गुणों को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।